नमस्कार दोस्तों, शनिवार व्रत कथा इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन नौ ग्रहों में झगड़ा होने लगा कि हम में से कौन बड़ा है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे, कोई छोटा नहीं समझता था। उन लोगों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर ना पहुँचे तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे देवराज, आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम नौ ग्रहों में से कौन बड़ा है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को छोटा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूं। यह कहकर वह बोले, हाँ, बस एक उपाय मैं अवश्य बता सकता हूं। इस समय मृत्यु लोक में विक्रमादित्य का राज्य चल रहा है और वह दूसरों के दुख को दूर करने वाले शासक हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए और अपना फैसला करना चाहिए कि तुम में से कौन बड़ा है। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और उन्होंने अपना सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं और किसको बड़ा। तो काफ़ी देर विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि नौ धातुओं के नौ आसन बनवाए और सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे आसन लगवाया। इसके बाद राजा ने ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था इसलिए शनि देव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे अपना सबसे छोटा बता दिया है। उन्होंने कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में और एक महीने, चंद्रमा सवा दो दिन, मंगल डेढ़ महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने तथा राहु और केतु उल्टे चलते फिरते हुए केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी पर 7.5 ईसाई आई तो उनको वनवास हो गया था और रावण पर आई तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल को नाश कर दिया था। इसलिए राजा अब तू भी तनिक सावधान रहना। शनि देव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोले, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा है वह सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनि क्रोध में भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठकर अपने अपने स्थान पर रवाना हो गए। कुछ समय पश्चात महाराजा विक्रमादित्य पर 7.5 ईसाई की दशा आई तो शनि देव व्यापारी रूप धरकर उनके अनेक तरह के सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी में पहुंच जाते हैं। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन घोड़ों को देखा, उनमें से एक सुंदर घोड़ा पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ गया। राजा के चढ़ने की देरी ही थी कि वह घोड़ा हवा हो गया और एक जंगल में ले जाकर राजा को गिराकर वहाँ से अदृश्य हो जाता है। अब राजा जंगल में मारे मारे फिरने लगे और वह भूख प्यास से बेहद परेशान थे, बेहद उनको भूख प्यास सता रही थी। इतने में से कहीं से एक ग्वाला आ निकला, उसने राजा को पानी पिलाया और पानी पीने के पश्चात राजा ने ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। सेठ ने जब उनका नाम ग्राम पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उनको कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। इससे राजा को भाग्यवान पुरुष समझकर वह भोजन के लिए अपने घर ले जाता है। भोजन करते समय राजा ने देखा एक सोने का हार खुंटी के साथ लटक रहा है और खुंटी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ ने उस हार को देखा तो वह अपनी जगह पर नहीं था, तो उसने यह कहा कि हो ना हो, हार अवश्य ही इस बीका ने चुराया है।
इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाली ले गए और कोतवाल ने उनको राजा के सामने प्रस्तुत कहा और कहा, हे महाराजा, ये यूँ तो ये भला आदमी प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता है, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि उसके घर में इसके अलावा कोई आदमी नहीं आया था। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि इसके दोनों हाथ और पैर काटकर चौरंगा किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार महाराजा विक्रमादित्य के हाथ काट दिए गए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि वह किसी ने अगर उसे मुंह में पानी डाल दिया तो पी लिया और यदि रोटी का टुकड़ा मुंह में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार उसका काल व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद एक तेली उनको अपने घर ले गया और अपने कोल्हू पर बिठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे रहते थे और दिन भर बैल हाँकते रहते थे। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई तो एक रात जब वर्षा का समय पर वह मल्हार गा रहे थे तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब कुछ बता दिया। राजकुमारी ने प्रण कर लिया कि यदि विवाह करूंगी तो इस चौरंगा के साथ ही करूंगी। अगले दिन से राजकुमारी अनशन व्रत कर दिया। दासी ने रानी को यह सब हाल सुनाया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने प्रण कर लिया है कि अमुक तेली के घर में जो चौरंगा है उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा, पुत्री, मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान और रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती है। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी, किसी और से मैं शादी नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में चौरंगा है, मैं उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप अपने हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली हूँ। राजा ने कहा, भाई, भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है? तू अपने घर जाकर विवाह की तैयारी कर। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी में करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगा जो विक्रमादित्य से उससे कर दिया। रात्रि के समय जब महाराजा विक्रमादित्य और मन भावती महल में सोए हुए तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहो, तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार की क्षमा याचना करी। इस पर शनिदेव प्रसन्न होकर महाराजा विक्रमादित्य को हाथ पैर दोबारा दे दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराजा, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, हे राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों को आटा डालेगा और उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना से कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रातःकाल जब राजकुमारी मन भावनी की आँख खुली तो उसने महाराजा विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृत्तांत कहा और यह भी बताया कि मैं विक्रमादित्य एक राजा हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जब सेठ ने यह खबर सुनी तो दौड़ा हुआ आया और विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप पर मैंने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, अतः अब जो आप चाहें मुझे दंड दीजिएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे सेठ, मुझ पर तो शनिदेव का कोप था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट भोजन सामने रखा। तब महाराजा विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, उन्होंने एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई। जो खूंटी पहले हार निगल रही थी वह अब उस हार को उगलने लगी। महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, जब मुझ पर शनि की दशा थी तो खूंटी ने हार निगल लिया, अब शनिदेव की दशा समाप्त हो गई है तो खूंटी हार को उगल रही है। तब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा,
मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका परिग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की कन्या श्री कवरी सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गए। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया और राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा करवाई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि है। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता है, सुनता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। तो यहीं तक थी ये कथा। जय शनि महाराज की।